और बहुत ही अच्छा मैच जीता है साहिल ने, ये हीरो है इस मैच के। गाइस जैसे अब मेरा पिछला मैच जीत गया, जिता लिया, वैशाल भैया का सीधा चैलेंज है मेरा। और मैच खत्म करते ही सीधा विशाल भैया को ही चैलेंज कर डाला इन्होंने। तो गाइस टीम हमारी जीत चुकी है पर साहिल ने अभी अभी चैलेंज दिया। हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइस जैसे कि आप सबको पता है हमारे चल रहे हैं चैलेंज हो रहे हैं, जो भी एकेडमी के सीनियर जूनियर सब आपस में चैलेंज करके खेल रहे हैं, जैसे मेरे साथ सब चैलेंज करते हैं। तो आज चैलेंज बहुत अलग होने वाला है, आज होने वाला है गाइस 2-1, क्योंकि जो लास्ट मैच जिन्होंने जिताया था, साहिल जो जूनियर है उन्होंने लास्ट मैच जिताया था बहुत अच्छा, तो उन्होंने चैलेंज दिया कि भैया आप एक के साथ तो जीत रहे हो तो हम होंगे दो। तो ये रहे दो वो प्लेयर जिनके साथ आज मैच होगा, साहिल बताएंगे आपको। साहिल मैच बताओ आज कैसे कैसे आपने चैलेंज दिया और जीतोगे या हारोगे ये भी बता दो, ऑडियंस पूछना चाह रही है। तो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने पिछला मैच जिताया था तो मैंने विशाल भैया को वो मैच जिताते ही चैलेंज दे दिया था कि बिचो विशाल भैया के साथ खेलना, क्योंकि विशाल भैया लगातार चैलेंज जीत रहे हैं। तो मैंने कुछ अपना पार्टनर लाया है, एक यमन जो मेरे साथ रहेगा, उसकी इस मैच में होगा 2-1, मतलब हम दो और विशाल भैया एक। तो ये मैच होगा गाइस बहुत अच्छा मैच है, हाई प्रेशर मैच है, क्योंकि वो सीनियर है, जीत रहे हैं और हम जूनियर, इनसे सीखने को मिलता है गाइस। और आज नया बैट्समैन आया गाइस, तो बैट्समैन आया गाइस, ग्राउंड्समैन के लड़के बैटिंग करेंगे गाइस। थैंक यू, इतना ही था आज के लिए। तो और मैच होगा कैसे गाइस, 8 बॉल का मैच होगा, 4 फेंकेगा साहिल, 4 यमन और बाकी 8 की 8 इधर से फेंकूंगा मैं। बैटिंग ये कर सकते हैं क्योंकि अलग होने वाला है, क्योंकि 2-1 होगा और दोनों गाइस अच्छे खेलने वाले हैं, इनकी बैटिंग भी आपको दिख जाएगी जैसे लास्ट वीडियो में इनको साथ डाला था। तो चलते हैं, टॉस के टाइम मिलते हैं और मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है आज। आपका भाई देखिए आज भी जीतता है नहीं, चलिए चलते हैं। तो गाइज अब आ गया है टॉस का टाइम, आज देखते हैं टॉस कौन जीतेगा। मैं कर रहा हूँ टॉस, साहिल टॉस। हेड इज द कॉल। बैट बैट। और यहाँ पे टॉस जीते हुए साहिल। तो हमने टॉस तो जीत लिया, मैं जीतना है गाइस, ये शाबाश। पहले बैटिंग पे यमन आएंगे, यमन। जैसा कि आप जानते हैं साहिल ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी चुनी और यहाँ पर साहिल ने अपनी बैटिंग के लिए भेजा यमन को। मैं बोलना चाहूंगा जैसे कि दो हैं तो रन ज्यादा से ज्यादा 10 से ज्यादा मैं नहीं सोच रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या होगा। बाकी यमन बताएं कितने बना रहे हैं। तो गाइस थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट दिखते हुए यहाँ पर विशाल चौधरी। तो यमन आप कितने मारना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास साहिल अली भी है। 8 बॉल पे कम से कम 20 रन तो चाहिए जीतने के लिए, क्योंकि विशाल चौधरी भैया का टाइम चल रहा है। वक्त कोई बात नहीं, आज मैं आया हूं तो देख वक्त बदलेंगे, वक्त बदलेंगे गाइस। और यहां पर यमन बल्ला लेकर तैयार, जैसा कि आप जानते हैं बहुत महामुकाबला है ये। तो गाइस इस मैच को तो गाइस जो इस मैच का दूसरी टीम का कप्तान है वही आज कमेंटेटर है, जिसको कहते हैं साहिल अली। जैसे ही गाइस आप मेरी शक्ल दे सकते हैं, हाय गाइस। तो आज के अंपायर है आदित्य भैया, जैसा कि इनको यहाँ पर बहुत तेज बॉलर के उसमें जाना जाता है। ये थोड़ा कैमरे के सामने थोड़ा स्माइल ज्यादा करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं विशाल चौधरी अपनी गेंदबाजी को लेकर तैयार। क्या यमन इसको खेल पाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं इस मैच को लेकर। ये महामुकाबला बहुत दिनों से चल रहा था कि विशाल भैया को साहिल ने चैलेंज दे रखा था और देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर यमन पहली बॉल खेलने के लिए तैयार, ये कैमरामैन के बिल्कुल बराबर से गई, अगर लगती तो कैमरामैन आज घायल हो सकते थे। और बहुत बढ़िया वाइट बॉल के साथ शुरुआत, यमन को थोड़ा पेशेंस के साथ खेलना होगा। जैसा कि आप जानते हैं बहुत शानदार मुकाबला है आज का महामुकाबला, जैसा कि यमन पहली बॉल खेलने के लिए तैयार। पहली बॉल थोड़ी नीची रही और यमन को खेलने में परेशानी हुई। और गाइस इस मैच की एक बॉल हो चुकी है, देखते हैं अब क्या करते हैं। क्या यमन इसको प्लेसमेंट करके सिर्फ रन मार सकते हैं, यहां पर जान की जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट की जरूरत है। जैसा कि विशाल चौधरी दूसरी बॉल लेकर तैयार, ओ व्हाट अ क्लीन हिट, 804। और यहां पर जैसा कि यमन ने कहा था कि 20 रन बनेंगे तो एक चौका लग चुका है, अब रह गए हैं 16, 2 बॉल हुई है गाइस। जैसा कि इस महामुकाबले की तीसरी गेंद, यमन खेलने के लिए तैयार। क्या होगा इस गेंद पर, क्या यमन मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे। यमन
यमन कह रहे थे 20 रन मारेंगे 8 गेंद पर, ये 4 बॉल पर 4 ही क्यों बनाया यमन? क्या आप इस मैच में थोड़े नर्वस दिख रहे हैं मुझको? लगेंगे 4 बॉल बची है। तो विशाल चौधरी बॉल लेकर तैयार एक और बार, बहुत लंबे लंबे कदमों से भागते हैं क्योंकि 6.5 फुट हाइट है जैसा कि। और यहाँ पर हमारे अंपायर हैं आदि, जिनको हम आदि बोलते हैं, उनका असली नाम है आदित्य। एक मेरे ख्याल से साहिल को जाना पड़ेगा बैटिंग पर क्योंकि यमन का थोड़ा हिसाब खराब लगता हुआ, और ये यमन साहिल ही आएंगे क्योंकि विशाल चौधरी कैच नहीं छोड़ते। क्लब बहुत तगड़ी लगी। और गाइस अब आ चुके हैं जीप, जीप देखते हैं क्या करते हैं। अभी जीप आ चुके हैं और देखते हैं जीप क्या दिखाते हैं अपना जलवा। बॉल 5 हो चुके हैं गाइस, और ये जीप खेलते हुए, और ये शॉट देखते हैं क्या होता है। बॉल रुक गई है, सिर्फ 4 ही रन बने हैं हमारे, 6 बॉल पे सिर्फ 4 ही रन है। साहिल को बॉल अच्छी डालनी पड़ेगी आज क्योंकि टारगेट बहुत ही कम हो गया है। और गाइस देखते हैं क्या होगा इन दो बॉलों पर। और ये विशाल भैया आते हुए हल्के हल्के कदमों से, जीभ तलवार लेकर, और ये स्लो ओवर वन वाइड बॉल प्योर वाइड है, और ला ओ जीभ ढंग से खेल। और जीभ देखे अपनी जीभ वाली हरकतें दिखाते हुए, और जीप को दिखी भी नहीं, सिर्फ हमारे 4 ही रन है गाइस। रन बनाए हैं 8 बॉल में सिर्फ 4 रन दोनों प्लेयर ने। ठीक है गाइस, अब कर रहे हैं विशाल बैटिंग्स, बॉल डालेंगे जीप, देखते हैं क्या कुछ खास कमाल कर पाते हैं जीप। और अंपायर पे धोखाधड़ी का आरोप, पहली बॉल डालेंगे अब जीव अपनी, देखते हैं विशाल क्या करता है। और उठा दिया है बॉल के नीचे यमन, वन बाउंस, अच्छा एफर्ट अमन का, बहुत बढ़िया एफर्ट। पहली पे आउट हो सकते थे विशाल अगर यमन अच्छा कैच कर लेते। दूसरी बॉल कटर डालने की कोशिश, अच्छी बॉल, शानदार प्लेसमेंट, बॉल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन गाइस। अब बचे हैं सिर्फ एक चौका चाहिए, मैच खत्म। अब आए हैं राउंड द विकेट साहिल, सामने होंगे विशाल, शानदार बॉल, खूबसूरत शॉट, सीधा बॉल गई है यमन के पास, और वो देख रहे हैं भालू से आदमी को, अच्छी बॉल, खूबसूरत बॉल, सीधा खेल दिया, और अच्छा एफर्ट यमन का। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा रिजल्ट अब तक तो खास, एक चौका लगा रखा है दोनों बल्लेबाजों ने, विशाल ने उनकी बराबरी कर दिया। यमन कुमार बॉल डालते हुए पहली, अच्छी बॉल, अच्छा कटर, और बॉल सीधा साहिल जीप के पास, 3 बॉल बचिए गाइस, अब सिर्फ 4 रन। अगर एक अच्छी बॉल डाल दे लेंथ बॉल तो आउट हो सकते हैं विशाल, देखते क्या बॉल डालते हैं। खूबसूरत गेंदबाजी, और पर लेग स्टंप के बाहर, बॉल सीमा रेखा की तरफ जाती हुई वाइड की तरफ। बॉल भी आज ज्यादा नहीं भाग रही है, और कोशिश पूरी है तुम्हारे भाई की, 3 बची है अभी, 3 बची है बस। नहीं बॉल से खेल रहे हुए जलाबिन रखे इन्होंने। अब आया खूबसूरत बॉल, खूबसूरत शॉट, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, 2 बॉल पहले मैच खत्म हो चुका है। क्या कहेंगे विशाल आप? हो गया है खत्म 2 बॉल पहले, तो ये भी मैच जीत गए 2-1 के मुकाबला था। तो गाइज मिलते हैं अब, जो चैलेंज दिया था 2-1 का, तो बताओ कैसे लग रहा है? तो गाइज ये 2-1 ही हो गया यहाँ पर, विशाल चौधरी जीत गए और हमें सीखने को मिला क्योंकि ये चैलेंज जीत रहे हैं गाइज, और की वजह से हम हार चुके हैं, इसने नहीं बनाए। तो मैच किसकी वजह से आ रहा है, दोनों में से किसका हाथ? तो दोनों में से किसी का हाथ नहीं है भैया, पर आपने अच्छा मारा, पर आपको भी थोड़ा पसीना आ गया जब आपकी 2 बॉल रह गई थी, वो साहिल ने पहला ओवर अच्छा निकाल दिया, वो एक खा लिया कवर्स पे, वो इट्स द पार्ट ऑफ द गेम। तो गाइस मैच का हो गया एंड, और बारिश का मौसम भी हो रहा है, देखो कितना तकड़ा बादल आ रहा है, इससे पहले हमारा एंड हो गया। तो बहुत ज्यादा चैलेंज दे रहा था साहिल बार बार, भैया मेरे साथ मेरे साथ, हम 2-1 ऐसे ऐसे करके कर रहा था, पर इनका दबा दब गया। इसका भी मैं भैया को अभी 1-1 का चैलेंज भी दूंगा आगे,
अभी मैं प्रिपेयर गाइस गाइस मैं भी दूंगा क्योंकि विशाल भैया थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे हैं, हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है अभी। तो गाइस आप बताओ ऐसे खेलना चाहिए ना, एक बार बार हरा के कोई फायदा नहीं है, किसी और सीनियर के साथ चैलेंज देंगे। अभी तीन करेंगे, इनको एक और दूंगा इनको ये तीन करेंगे, बेइज्जती की बात नहीं हार के भाई, तुम बेइज्जती होती है हारने के बाद, बार बार आएगा कोई फायदा नहीं। तो गाइस अब करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, मोटिवेशन मिलता है और चैलेंज और देखने हैं, और आप लोगों को भी चैलेंज देना है, बहुत भाई बोले चैलेंज देना है। तो कभी मिलते हैं तो आप लोगों के साथ भी जरूर खेलेंगे, ऐसा नहीं है, चैलेंज सबके साथ खेलते हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज, बाय।